बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जून का चुनावी प्रचार जोरों पर है। राजेंद्र सिंह जून की जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में पहुंचे, जहां आड़तियों और व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र जून लगातार नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों से संपर्क साधने में जुटे हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून का कहना है कि बहादुरगढ़ के लोगों ने 10 साल तक उनका काम देखा है और अब लोगों का उन्हें पूरा प्यार और सम्मान मिल रहा है। राजेंद्र जून अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान बहादुरगढ़ हलके में हुए कामों को गिनवा रहे हैं और विकास के नाम पर लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जून ने बहादुरगढ़ के स्थानीय विधायक नरेश कौशिक पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र जून का कहना है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान नरेश कौशिक ने बहादुरगढ़ में कोई विकास नहीं करवाया। लोग बीजेपी की सरकार से बेहद परेशान हैं। पिछले 5 साल बहादुरगढ़ शहर में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। स्थानीय विधायक सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी आम जनता की सुध नहीं ली। आज भी लोग साफ और स्वच्छ पानी और बिजली मांग रहे हैं, लेकिन ना तो लोगों को बिजली मिल रही है और ना ही पीने का साफ पानी। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून का कहना है कि लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। आने वाली 24 अक्टूबर को परिणाम आने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो विधायक बनते ही बहादुरगढ़ शहर और गाँव में सम्पूर्ण विकास करवाएंगे। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल के अंतराल में भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जांच करवाई जाएगी। हम आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से साल 2004 और 9 में भारी मतों से जीतकर विधायक बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान राजेंद्र जून ने बहादुरगढ़ हल्के मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्टों की शुरुआत की थी। स्वर्गीय चौधरी सूरजमल भी बहादुरगढ़ लिखे से विधायक रह चुके हैं। हमारा चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छा चल रहा है। दिन पर दिन जो ना चुनाव हमारा जो ना उठता जा रहा है, वो क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक नरेश कौशिक है, इसने पूरे 5 साल जो है बहादुरगढ़ के गांव के अंदर कोई विकास नहीं किया। आज शहर के अंदर ये हालत है कि जो है ना पानी इतना गंदा रहा है, सीवर ब्लॉकेज हैं और ना ही ये कभी किसी के पास दुख सुख में गया और ना ही जो है ना उनकी सूझबूझ पूछने के लिए गया। आज बहादुरगढ़ शहर के अंदर हर कॉलोनी के अंदर इसके खिलाफ बगावत है। राजेंद्र जून का प्रचार जोरों पर है और जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। बहरहाल अब 24 अक्टूबर का इंतजार है, जब जनता का जनादेश बताएगा कि कौन उसका नेता है। टोटल न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।